हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, आज एक मैं कैप बनाने जा रही हूँ, जिस कार्डिगन का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दोनों पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं। इस कार्डिगन के साथ का मैं ये कैप बनाऊंगी। बहुत ही बेस्ट कार्डिगन ये बना है, और इसी के साथ का इन्हीं डिजाइनों में मैं ये कैप बनाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर 90 फंदे सिलाई पर हमने 90 फंदे ले लिए हैं। अब देखिए, इसका बॉर्डर जो है, नीचे से हम ये कैप बनाएंगे तो इसका बॉर्डर भी हम यही वाला देंगे जो हमने ये कार्डिगन में दिया है, यही बॉर्डर हम नीचे देंगे कैप में। तो देखिए किस तरह से बॉर्डर बनेगा। थोड़ा सा बॉर्डर मैं आपको स्टार्ट की दो सिलाइयां दिखाई देती हूँ मैं आपको। देखिए, पहले या तो दो फंदे बुंदे या तीन बुंदे स्टार्ट में। ये देखिए, ये दो फंदे हमने बुन दिए, उनको पीछे पहुंचाया, वूल को एक फंदे को देखिए बिना बुना निकाला और उनको आगे ले लिया। फिर से अब हम तीन फंदे बुनेंगे। देखिए, तीन फंदे बुने, उनको पीछे पहुंचाया, इस फंदे को बिना बुना निकाला, उनको आगे लिया वापस, फिर से तीन फंदे। बस ये रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। स्टार्ट में तो मैंने दो फंदे लिए हैं, तीन भी ले सकते हैं आप। देखिए, तीन फंदे बुने, वूल पीछे पहुंचाकर फंदा निकाला। वूल को पीछे जरूर पहुंचाना है आपने। अब देखिए, फिर से तीन फंदे। एक फंदा उतारा, लास्ट तक रो ये हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। फर्स्ट रो जो है हमारे इस कैप की, और ये 1 से 1.5 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। अगर आपने 2 साल या उससे ऊपर बनाना है तो आप थोड़े फंदे और ज्यादा कर लें। तो गाइज, लास्ट तक ले आऊं मैं। देखिए गाइज, लास्ट में आ गई हूं मैं। अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे पहुंचाया, एक फंदा फिर से उतारा, उनको आगे लिया, फिर से तीन फंदे बुनेंगे। फर्स्ट रो है हमारे इस बॉर्डर की। फिर एक फंदा हमने नीचे उतारा और फिर से हम ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए गाइस, अब ये हमारे यहाँ पर तीन फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, और ये वाला बिना बुना उतारा था। तो अब ये दो तो हम बिना बुने जो है ये उल्टे बनाएंगे, और ये जो बिना बुना उतारा था, एक इन तीन में का और एक इन तीन में का, इन तीनों को उल्टा बनाएंगे। बस शुरू में स्टार्ट में ही देखना होता है। तो पहले हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे पहुंचाया, एक फंदा उतार कर तीन फंदे हम ये सॉरी ये वाला फंदा नहीं ये हमारा यहाँ पर ये वाला फंदा उतारा जाएगा, दूसरा फंदा उतरेगा और उनको आगे लाएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। अब उन पीछे पहुंचाई, इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे और उनको आगे लाकर फिर से हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर उन पीछे पहुंचाकर एक फंदा उतारा, फिर से तीन फंदे। ये जो बीच में जो हमने इधर सिलाई पर बिना बुना उतारा था, ये बीच में आ जाएगा, एक इधर के तीन का और एक इधर के तीन का। तो जब हम इसको बुनते हैं तो थोड़ा ये अजीब सा रहता है फंदा बुनने में, तो इससे आप ध्यान रखना कि ये तीन के बीच में फंदा हमारा आ रहा है। अब देखिए, मैं लास्ट तक इसी तरह से बुन लाऊं, तीन फंदे बुनते जाइए और एक फंदा बिना बुना निकालते जाइए। एक फंदा बिना बुना निकाला, और इस रो नंबर 2 की लास्ट चल रही है ये। तीन फंदे उल्टे बुने और इस फंदे को बिना बुना निकाल देंगे। अब देखिए, रो नंबर हमारी 3 आई है। अब देखिए, आपको ये यहाँ पर चेन का हुक दिखाई देगा, हर तीन फंदे के बाद चेन का हुक दिखाई दे रहा है। तो बस अब ये हुक जो दिखाई दे रहा है आपको चेन का, ये बिना बुना उतार देंगे, और इन बीच के जो ये तीन तीन फंदे आ रहे हैं इनको हम बुन देंगे।
तो देखिए पहले स्टार्ट के दो फंदे हमारे बुने जाएंगे, फिर हमारा हुक आ रहा है, हुक दिखाई दे रहा है हमें चेन का, ये जो एक फली सी बनकर आती है इसको बिना बुना उतारेंगे। अब दोनों साइड से आपको ये फंदे दिखाई देने लगेंगे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये स्टार्ट की दो सिलाइयों में ही ध्यान देना पड़ता है। अब ये बॉर्डर में कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी वो किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ भी दिखाई देने लगा, ये हुक आने लगे हैं हमारे चेन के। तो अब ये जो चेन के हुक दोनों साइड हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपने इन हुक को उतारते जाना है और तीन फंदे बीच बीच में बुनते जाने हैं। देखिए गाइस बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपका बॉर्डर आपको पता चलेगा। देखिए ये जो आपको ये चेन दिखाई दे रही है, इसके ये हुक गिन लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 सिक्स हुक जब आपके हो जाए, एक फंदा यहाँ पर सिलाई में हो, तब आपका ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए उल्टी सिलाई पर हम ये अब डिज़ाइन बनाएंगे हम गाइस, जो हमने डिज़ाइन कार्डिगन में दिया है ये डिज़ाइन हम कैप में भी देंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई पर हमारा ये कलर चेंज हो, देखिए पूरी सिलाई हमें ये रेड कलर की बना रही हूँ। जो कलर आप लगाना चाहें उस कलर की आप बनाएं, जो कार्डिगन में आप पहले कलर दोगे वही आप कैप में भी पहले दोगे कलर। तो मैंने रेड कलर दिया था फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट पर मैं ये रेड कलर से बना रही हूँ। अब देखिए गाइस ये पूरी रॉ हमारी उल्टी कंप्लीट होगी। देखिए गाइस हमारी रॉ फर्स्ट कंप्लीट हो गई होने वाली है, कलर चेंज किया उल्टी सिलाई पर। अब हमारी रॉ नंबर सेकंड आई है और सीधी सिलाई है, देखिए सीधी सिलाई है लेकिन इसको उल्टा बुनेंगे, सिलाई का मुंह अंदर की साइड रहेगा, उल्टा बुनेंगे सीधे पर। तो देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा बिना बुना निकालेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा बिना बुना, फिर एक फंदा बुन दिया उल्टा, फिर एक फंदा बिना बुना, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होनी है। जिस फंदे को हम अब बुन रहे हैं, नेक्स्ट सीधी सिलाई जब आएगी तो इस फंदे को बिना बुना उतारेंगे, जिसको हम बिना बुना उतार रहे हैं उसको हम बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कलर सॉरी डिज़ाइन हमारा बनेगा। बस एक फंदा बुना, एक को बिना बुना उतारा, इस तरह से आप ये रॉ कंप्लीट करते कर लीजिए। देखिए हमारी अब ये सेकंड रॉ भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट का फंदा बिना बुना उतार दिया। अब देखिए उल्टी सिलाई आई है, उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी कंप्लीट होगी, इस पर कोई डिजाइन नहीं बनेगा, पूरी को उल्टा कंप्लीट करना है। देखिए उल्टी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी रॉ नंबर फोर्थ आई है। अब रॉ नंबर फोर्थ पर देखिए क्या करना है, बस ये वाली रॉ और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए गाइस अलग दिखाई दे रहा है ये फंदा जो हमने पिछली बार बिना बुना उतारा था, तो अब की बार ये फंदा बुना जाएगा और ये वाला फंदा बिना बुना उतरेगा। तो बस एक बार जिस फंदे को हम बुन रहे हैं उसको बिना बुना निकालना होता है, और जिसको पिछली बार नहीं बुना था उसको बुनना होता है। इसी तरह से बस ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। अब मैं ये सब डिज़ाइन कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस कैप का और मेज़रमेंट क्या रहेगा। देखिए तीनों कलर मैं लगाऊंगी, ये तीनों कलर आने हैं इस कैप में, तो मैं ये तीनों कलर कंप्लीट कर लाऊं। जब आप कलर चेंज करोगे ये रेड करने के बाद वाइट लगाओगे, तो उल्टी सिलाई पर चेंज करना है हर बार कलर, और उसी फंदे को बुनना है जिस फंदे को हमने बिना बुना निकाला था। देखिए गाइज मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं डिज़ाइन। अब मैं आपको ये दिखाई देती हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने कितने बनाए हैं। देखिए ये चीज़ आपको अलग ही पता चल रही है, इस तरह आड़ेपन से इसको गिना जाएगा, तो 2 4 6 8 9 डिज़ाइन मैंने ये बना दिए हैं, व्हाइट में भी और इस कलर में भी। जिस कलर के भी आप बना रहे हो, नौ डिज़ाइन के बाद आपने उल्टी सिलाई पर कलर चेंज कर देना है, और फिर सीधी सिलाई पर आपने जब डिज़ाइन बनाओगे तो उसी फंदे पर बनाना है जो आपने पिछली सिलाई पर बुना नहीं था, बिना बुना निकाला था।
अब देखिए उसके बाद मैंने ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने ये 1 2 3 4 5 मैंने ये रॉ उल्टी और सीधी बना दी है। अब हमारी सीधी सिलाई आई है, अब हमारा ये कैप का सेंटर बनेगा। तो अब देखिए इसमें हमें ये फंदे बांटने होंगे। एक फंदा स्टार्ट का जो है, एक तो ये फंदा हम सेंटर का रखेंगे और एक फंदा हम यहाँ लास्ट में रखेंगे। जब हमारा कैप मुड़कर आएगा तो ये दोनों सेंटर के फंदे आपस में मिल जाएंगे। तो एक फंदा तो स्टार्ट में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताऊं, वरना तो इधर से फंदे निकल जाते हैं। देखिए ये फंदा एक हमारा इधर का रखा जाएगा, तो स्टार्ट में दोनों साइड एक एक फंदा रखेंगे सेंटर का। अब देखिए 20 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 फंदे हमने गिने। अब हम यहाँ पर देखिए ये मार्क लगाएंगे। 20 फंदे बुनने के बाद हमें यहाँ गिनने के बाद यहाँ पर एक मार्क लगा देना है। अब देखिए दो फंदे यहाँ से हम सेंटर के लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर इसके बाद से हम यहाँ पर दो फंदे बुनेंगे। तो इन दोनों फंदों के बीच में मैं आपको अभी मैं गिन रही हूँ, इसलिए मैं ये मार्क आपको लगाकर दिखा रही हूँ। अब फिर से इन दो फंदों के बाद हमें 20 फंदे बुनने हैं, काउंट करने हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब देखिए 20 के बाद ये दो फंदे फिर से हमारे यहाँ पर सेंटर के रहेंगे। देखिए दो फंदे सेंटर के आ गए हैं। अब देखिए हमारे ये एक सेंटर ये हुआ, एक ये हुआ और एक सेंटर ये स्टार्ट और लास्ट के एक एक फंदा हो जाएगा। अब एक सेंटर और हमें यहाँ पर चाहिए, चार सेंटर बनेंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 फंदे हमने बुनने के बाद दो ये हमारे फंदे स्टार्ट के, ये दो फंदे यहाँ पर रखेंगे हम। अब पहले हम ये वाले फंदे गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए 20 फंदे आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे दो फंदे ज्यादा हो रहे हैं। तो गाइज उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपके दो फंदे ज्यादा हो रहे हैं या फिर एक फंदा ज्यादा हो रहा है, तो उसे आप कहीं इन दो जो सेंटर ये बीच के हैं इनमें ले लेंगे, किनारे पर नहीं लेंगे, सेंटर के बीच में जो है इनमें ले लेंगे आप। अब देखिए गाइज ये जो हमारे दो फंदे ज्यादा हो रहे हैं, तो अब इन दो फंदों में से हम क्या करेंगे, ये दो फंदे हमने यहाँ पर सेंटर के बनाए थे, तो बीच में दोनों जगह पर हम यहाँ पर एक फंदा और इस साइड को लिए लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे 21 हो गए हैं। अगले मैंने दो पर निशान लगा दिया। अब इधर एक जो है एक फंदा और इस साइड चाहिए, तो वो हम बुनते में कर देंगे। अब मैंने आपको निशान लगाकर दिखा दिया है। अगर आपके फंदे ज्यादा है, बड़ा कैप आप बना रहे हो, तो पहले आप हिसाब लगा लें कि कितने कितने फंदे हमारे सेंटर के बीच में आने चाहिए। दो दो फंदों का हिसाब आप तीन जगह पर सेंटर में दो दो फंदों का लगा लें, और एक स्टार्ट में और एक लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बुनना। तो देखिए मैं इसे एक बार आपको माप कर भी दिखा दूं कि इस वाले कैप में मैंने कितनी लंबाई रख रही हूं मैं, मतलब यहां से कितने पर मैंने ये, देखिए गाइज ये करीब हमारी जो है देखिए 14 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है ये, और इंच में करीब हमारा ये 6.25 इंच आ रहा है। अब देखिए किस तरह से ये बनेगा हमारा। अभी एक फंदा हमें इसमें से उस साइड पहुंचाना है। तो देखिए पहले जब हम बुनेंगे तो दो ये स्टार्ट वाला फंदा, ये वाला फंदा जो है
देखिए ये वाला फंदा हम इसके साथ में लेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से दो फंदों का हम एक बना देंगे। यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाया। अब यहाँ पर हमारे 20 फंदे थे, तो अब यहाँ पर हमारे 19 बचे, तो इन 19 फंदों को पहले हम गिनकर लाएंगे। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। अब देखिए ये यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था गाइज, वो एक फंदा भी हमारा इधर फालतू था जो हमें बीच में करना होगा, जो हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा है। अब इस फंदे को पहले हम इस वाले फंदे को लेकर यहाँ पर देखिए ये दो फंदे लेने थे हमारे मार्क के, लेकिन इन दो में बनाएंगे हम। अब ये एक फंदा जो हमने इधर बुना है 19वां, इस फंदे को पहले हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब यहाँ बीच में हमारे दो दो फंदे एक साथ बुने जाएंगे। तो देखिए इसको हमने इस साइड से लिया नीचे की साइड से, और इस फंदे को हम इस तरह से पलट कर डाला और एक फंदे के साथ हमने इसको बुन दिया। तो देखिए गाइस अब हमारे ये यहाँ पर ये वाला सेंटर है, देखिए ये वाला हमारे अब दो सेंटर के हो गए। अब देखिए ये दो फंदे सेंटर के हैं, तो एक फंदा इस साइड से घटता रहेगा और एक इस साइड से घटता रहेगा। तो अब देखिए हमें इधर कितने फंदे बुनने होंगे, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब एक फंदा और फालतू बुनेंगे, क्योंकि इस साइड जो हमारे हमने बीच में ये दोनों जगह 21-21 किए हैं, तो एक फंदा और बुनेंगे। अब देखिए गाइस हमारा निशान तो यहाँ पर था लगा हुआ, लेकिन ये निशान हमारे जो इधर दो फंदे ज्यादा आ रहे थे तो हमारे गड़बड़ हो रहे थे। अब हमारा ये देखिए नीचे की साइड से लेंगे पहले हम दो फंदे, इनका दो का एक बनाया। अब इस वाले को इधर डालेंगे। अब देखिए दो फंदे हैं, पहले हम इस वाले फंदे को पलट कर डालेंगे इस तरह से, और दो का एक बनाया। अब हमारे देखिए दो जगह ये सेंटर ये हो गए हैं, एक सेंटर ये है और एक किनारे वाला आएगा। तो अब देखिए ये भी हमारा बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 फंदे हमने बुन दिए। अब देखिए ये वाला फंदा जो है इसको पहले हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे ये ठीक से हो गए हैं फंदे। तो इस ये देखिए इस फंदे को तो यहाँ से नीचे की साइड से लेकर दो का एक बनाया, और अब ये वाला भी हमारा अब हमारे बीच में तो देखिए 21-21 फंदे हो गए थे, और दोनों साइडों पर हमारे 20-20 फंदे रहे थे। तो हमारे इस फंदे को पलट कर डाला हमने, और इसको यहाँ पर हमने सेंटर बना दिया दो फंदों का। तो आप भी अगर आपके पास ये पिन है तो ये लगा दें सेफ्टी पिन, अगर नहीं है आपके पास कोई मार्कर तो आपने क्या करना है उनको लेकर उसको मार्क पर लगा देना है। अब देखिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन
15, 16, 17, 18. अब दो का इस साइड हमने नीचे की साइड से बनाया है, तो इस फंदे को देखिए, इधर जो था हमने स्टार्ट में पहले नंबर पर लेकर इस फंदे को बनाया था, तो ये इस साइड को जा रहा है, तो इसको भी हमने नीचे की साइड से लेकर दो का एक बना देना है। अब गाइस उल्टी सिलाई जो आएगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, हमें कोई सा भी इस पर फंदा नहीं घटाना है। और एक दो सिलाइयों के बाद हमारे ये निशान अलग दिखाई देने लगेंगे, जहां जहां हमने मार्क लगाया है, तो इन सब मार्क को हम निकाल देंगे जब हमारे साफ दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से आप बुनेंगे। देखिए अब जो है हमारे 18 18 फंदे इधर बचे हैं दोनों साइडों पर, दोनों बीच में जो है 19 19 फंदे हैं। तो बस इस तरह से आप हिसाब लगा कर रखेंगे। देखिए गाइस सीधी सिलाई आई है, उल्टी सिलाई पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है पूरी उल्टी सिलाई को। अब देखिए स्टार्ट में फिर से हम ये दो फंदे एक साथ लेंगे। दो फंदे हमने एक साथ लिए, दो का एक बनाया। अब बस ये वाले फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखिए 16 फंदे बुने, एक फंदा छोड़ना है, क्योंकि इन दो फंदों का जो है हमने जहां मार्क लगा रखा है, एक फंदा इसके साथ घटेगा ये। अब ये मार्क हम हटा देते हैं बस। तो देखिए ये फंदा इसके साथ नीचे की साइड से लेकर, और इस फंदे को पलटेंगे सेंटर वाले को पहले, इसको निकाल देंगे मार्क को हम। अब हमें अलग ही पता चल जाएगा कि हमारे कौन से फंदे से सेंटर के हैं और कौन सा साथ में घटना है। अब देखिए तो एक फंदा इस साइड से घट रहा है, एक फंदा इस साइड से घट रहा है। सारी सिलाइयां मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, अब मैं बस ये वाली सिलाई आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब ये वाला फंदा इसके साथ घटेगा, तो हम इस वाले मार्कर को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए ये नीचे की साइड से लिया, और इस वाले को पलटेंगे पहले, इसको निकाल देंगे। और देखिए यहाँ पर दो फंदों का एक बना देंगे। बस आपने गाइज उस साइड भी जो इधर के फंदे हैं उन्हें भी इसी तरह से आपने बनाकर लाना है। ये बीच में के फंदे बुन लाऊं मैं। देखिए सेंटर के फंदे के पास आ गए हैं, पहले इस फंदे को इधर कर लेंगे हम। अब इस फंदे को तो देखिए सेंटर वाला है, तो एक बार तो नीचे की साइड से बुनने हैं हम, और इस वाले को हम पलट कर डाल लेते हैं इस तरह से। इसके साथ नेक्स्ट फंदा लेंगे और दो का एक बना देंगे। अब ये बीच में के फंदे नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, सिर्फ सेंटर सेंटर वाले फंदे को दिखाऊंगी। ये लास्ट में आया है, तो इस फंदे को हम इस तरह से दो का एक बना दिया। तो गाइस अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। देखिए सीधी सिलाई आई है, नीचे की साइड से फंदा बुन देंगे, बीच में के फंदे मैं आपको अब नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ सेंटर के पास दिखाऊंगी। देखिए ये दोनों अलग ही दिखाई देने लगे हैं अब हमारे सेंटर वाले फंदे। तो एक बार तो हम नीचे की साइड से लेकर बुन देंगे, एक इस फंदे को पलट कर डालेंगे और दो का एक बना देंगे। तो गाइस अब मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हमारा ये कितने फंदे रह जाएंगे हर जगह सेंटर के पास। आपने एक इधर से घट जाएगा, एक इधर से घटाते जाना है। अब मैं ये कर लाऊं पूरा, तो कितने फंदे छोड़ने हैं ये आपको बता दूंगी। देखिएगा गाइस मेरे ये कंप्लीट हो गया है सेंटर के फंदे सब। ये यहाँ पर हमारे 34 फंदे बचे हैं, और बस सीधी सिलाई की है मैंने ये घटाकर, उल्टी सिलाई नहीं की है, लास्ट की है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है।
अब हम एक धागा काट लेंगे थोड़ा लंबा जितने से सिलाई हो जाए, और नीडल में डालने के बाद इन सब फंदों को इस तरह से सुई में लेंगे। एक एक फंदा आप आराम आराम से लेते जाइए सुई में। देखिए गाइस, मैंने सब फंदों को नीडल में ले लिया है। अब इस तरह से इसे हम यूं खींच देंगे। अब देखिए, चाहे तो आप एक बार और इन फंदों में से इसी तरह से इस साइड से सुई निकाल कर ले आएं, नीडल को इस तरह से निकाल लें, तो ये और अच्छे से टाइट से भी होकर आएगा और इस कैप में हमारे मजबूती भी हो जाएगी। दोबारा से इस तरह से लाइन निकाल कर, और इस तरह से इसे खींच दें। दोबारा लाने से अच्छे से मजबूत हो जाता है, और जब आप खींचोगे तो यहाँ पर कोई होल नहीं रहेगा, अच्छे से ये खींच कर आएगा यहाँ। अब देखिए, इसको उल्टा कर लेंगे हम इस तरह से कैप को, और इस तरह से पट्टी से ये यहाँ पर पट्टी मिलाकर, बिल्कुल कोई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर से रहने चाहिए। यहाँ से एक एक टाका आप एक साइड से इस साइड से और एक इस साइड से इसको सिलाई करके लाएंगे कैप को। देखिए बिल्कुल मैं एक एक ही ले रही हूँ। देखिए ये जो चेन आ रही है, इसका पहला वाला हिस्सा ले रही हूँ मैं दोनों साइड का, तो हमारा ये यहाँ पर जो सेंटर बना था ये भी नहीं कटेगा, और ये पहला हिस्सा लेकर हमारा कैप भी ये यहाँ पर सिलाई हो जाएगा इस तरह से। देखिए गाइस, ये वाला धागा तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। अभी नीचे जो हमारा बॉर्डर के का धागा बचता है, तो उसको लेकर हम ये जहाँ तक सिलाई रह गई है उसको कर देंगे। अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल मिलाकर आपने करना है। देखिए इस तरह से किनारे से किनारा मिल जाना चाहिए ये। गाइस बहुत ही प्यारा सा ढाल आया है हमारे कैप का। अब यहाँ पर आप या तो पोम पोम लगा दें या कोई और बटन लगाना चाहें तो और ये खूबसूरत हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये कैप डिजाइन, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।